हमने आपको पिछले टॉपिक में पेज मार्जिन्स के बारे में कुछ जानकारी दी पेज सेटअप के लिए। अब नेक्स्ट हम इसके बाद आगे देखेंगे फाइल मेन्यू। तो हम यहाँ पर फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे और हम सबसे पहले इसके अंदर जो टॉपिक है वो है सेव। सेव कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे। सेव जब हम कोई भी किसी प्रकार की फाइल वर्ड में टाइप करते हैं पेज पर, तो हम उस मैटर को कंप्यूटर में रखने के लिए सेव कमांड्स पर जाकर क्लिक करके उस फाइल को सेव करते हैं। जैसे कि हम यहाँ कुछ मैटर टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए कुछ मैटर बना रही हूँ। इस मैटर को मुझे जैसे मेरे कंप्यूटर में रखना है, तो कंप्यूटर में रखने के लिए हम इसको सबसे पहले सेव करेंगे। और सेव करने के लिए हम यहाँ पर फाइल मेन्यू के अंदर जाकर सेव कमांड्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जिस नाम से हमारी फाइल को सेव करना चाहते हैं, फाइल नेम में हम वो फाइल नेम देंगे और फाइल हम किस लोकेशन में सेव करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स है, माय कंप्यूटर है। माय कंप्यूटर में हम किस लोकेशन के अंदर फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो हम जिस जगह हमारी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो चूज करेंगे। जैसे मैं अपनी फाइल को डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहती हूँ, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक किया, वर्ड डॉक्यूमेंट है आपको सेव एज टाइप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी फाइल सेव होकर माय डॉक्यूमेंट्स में चली गई। आपको ये दिखाई देगी यहाँ टाइटल बार पर जिस नाम से आपने सेव किया होगा, तो मेरा यहाँ पर नाम दिखाई दे रहा है SD माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। देन इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, इसमें सेव एज। सेव एज कमांड्स का यूज हम जब करते हैं जब हमें इसी फाइल को किसी और नाम से कॉपी करके सेव करना हो। हम अगर इसी फाइल को किसी और नाम से कॉपी करना चाहते हैं तो हम सेव एज कमांड लेंगे और हम किसी भी नाम से चेंज करके फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नाम चेंज कर दिया फाइल नेम में और इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आप टाइटल बार में देखेंगे कि चेंज नाम से मेरी फाइल सेव हो रही है, तो हम इन दोनों नामों से हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं और इनको ओपन कर सकते हैं। इसके बाद जैसे हम हमारी फाइल को क्लोज कर देते हैं, यहाँ से क्लोज पे क्लिक करके अपनी फाइल को मैंने क्लोज कर दिया है। क्लोज करने के बाद जब हमारी फाइल को हम वापस ओपन करना चाहते हैं, तो हम फाइल मेन्यू में ओपन जो नाम का आपको कमांड दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारी फाइल हमने किस नाम से सेव की थी उस नाम को हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सुमी नाम से जो फाइल सेव की थी वो मैंने टाइप किया है। देन ओके करेंगे या आप ओपन पर क्लिक कर देंगे तो उस नाम की फाइल आप ओपन कर सकते हैं। इसी फाइल को मैंने एक और नाम से सेव किया था, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर SD नाम की फाइल दिखाई दे रही है, तो इस नाम की फाइल को भी मैं टाइप करके ओपन कर सकती हूँ। तो सेव एज का यूज हम इसलिए करते हैं कि हम किसी फाइल को कई नामों से कॉपी करके सेव कर सकते हैं। देन हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। धन्यवाद।